दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि पहले कूपर की झूठी रिपोर्ट आई और फिर जब एम्स से उम्मीद थी और एम्स ने भी पलटी मारकर झूठी रिपोर्ट ही सीबीआई को थमा दी, तो उसके बाद पहले हम सब फैंस का गुस्सा फूटा और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जोश में कमी आने लगी। एक गिव अप वाला मोड आ गया जहां हम सबको लगने लगा कि अब सुशांत को इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा। वहीं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार हम सब में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लगातार एम्स की रिपोर्ट को चुनौतियां दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज से मीटिंग भी की और अब खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने सीधा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री को ऑर्डर दे अपनी तरफ से कि सुशांत की सारी रिपोर्ट्स री इवेल्युएट की जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी चिट्ठी में वो खामियां भी दिखाई हैं जिसके चलते इन रिपोर्ट्स का री इवेल्युएशन होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि सच बाहर आ सके। आपको बता दें कि ईशकरण भंडारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर स्वामी हैज रिटन टू ऑनरेबल पीएम मोदी टू कंसिडर डायरेक्टिंग हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिव्यू एम्स रिपोर्ट एंड सेटअप मेडिकल बोर्ड टू रीडू द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इन सुशांत सिंह राजपूत केस। ही हैज कोटेड लैप्सेस विच मेक इट मैंडेटरी। तो हमें भी अपना ये जोश बनाए रखना है दोस्तों, हार नहीं माननी है, हमें भी आवाज़ उठाते रहना है और ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि हम इस केस को यूं ही बंद होने देंगे। नहीं दोस्तों, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, हम ये केस बंद नहीं होने देंगे जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे में अब पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो अपनी तरफ से जल्द हेल्थ मिनिस्ट्री को ऑर्डर देंगे ताकि वो इन रिपोर्ट्स को जांच सके और अपना वर्डिक्ट इस पर रख सके। हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि गिव अप मत करिए दोस्तों, हमारा साथ देते रहिए, हम मिलकर सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।